हम कबूली करेंगे। आई हैव, अपने इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलिए, लेकिन आपको मुँह से इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई हैव द लाइफ एंड नेचर ऑफ गॉड इन माई स्पिरिट। ही गेव हिज लाइफ फॉर मी सो आई कुड लिव एंड वॉक इन His righteousness, glory, and grace. Therefore, by my faith, I am a partaker of God's divine nature, having been impacted with His life. My life is full of glory because Christ is in me. Hallelujah. मेरे पास जीवन है, परमेश्वर का गुण है मेरे आत्मा में। उसने मुझे जीवन दिया है ताकि मैं जियो और उसके धार्मिकता को, महिमा को और अनुग्रह को लेकर जियो। इसलिए कि मेरे विश्वास के द्वारा मैं उसके ईश्वरीय, परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों में भागी हूँ। उसने ये जीवन उसका मेरे अंदर भरा है। मेरा जीवन महिमा से भरा हुआ है क्योंकि मसीह मुझ में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है हम वो पढ़ेंगे। इंग्लिश में है रोमन्स 6:23, फर्स्ट जॉन 5:11-13। इन्हीं वचनों को हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6:23 है और पहला यूहन्ना 5:11-13 वचन है। ये इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और वही वचनों को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 6:23 हम पढ़ेंगे। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. रोमियो की पत्री 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। फर्स्ट जॉन 5:11-13 एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैथ गिवन टू अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. और एक बार पढ़ेंगे एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैथ गिवन टू अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। ही दैट हैथ द सन हैथ लाइफ एंड ही दैट हैथ नॉट द सन ऑफ गॉड हैथ नॉट लाइफ। दिस थिंग्स हैव आई रिटन अनटू यू दैट बिलीव ऑन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड दैट ये मे नो दैट ये हैव इटर्नल लाइफ एंड दैट ये मे बिलीव ऑन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। हम पहला योना 5:11-12 वचन पढ़ेंगे।
और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:11 से, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 15th चैप्टर, सफनिया 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और सफनिया 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। चैप्टर 15, रेवलेशन चैप्टर 15, रेवलेशन 15th चैप्टर 1st verse से पढ़ेंगे। द 7 last plagues एक्सेट्रा 1st verse से, एंड आई सॉ अनदर साइन इन हेवन ग्रेट एंड मार्वलस 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass, having the harps of God, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in the heaven was opened, and the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Prakashit Vakya 15 adhyay, pehle vachan se, antim vipattiyon ke sath swargadut. फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7ों अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं।
इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी मल मल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के साथ कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों के सातों विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। ज़फ़निया चैप्टर 1। When Zephaniah prophesied God's severe judgments against Judah for diverse sins. First verse, the word of the Lord which came unto Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, I will utterly consume all things from off the land, said the Lord. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven and the fishes of the sea and the stumbling blocks with the wicked. And I will cut off man from off the land, saith the Lord. I will also stretch out mine hand upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem. And I will cut off the remnant of Baal from this place and the name of the Chemarims. With the priests and them that worship the host of heaven upon the housetops and them that worship and that swear by the Lord and that swear by Malcham and them that are turned back from the Lord and those that have not sought the Lord nor inquired for him. Hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice. He hath bid his guests, and it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed with strange apparel. In the same day also will I punish all those that leap on the threshold which fill their masters' houses with violence and deceit. And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills. Howl, ye inhabitants of Makhtesh, for all the merchant people are cut down, all they that bear silver are cut off. And it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with candles and punish the men that are settled on their lees, that say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation. They shall also build houses, but not inhabit them. And they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof. The great day of the Lord is near. It is near, and hasteth greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man, shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress. A day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, and for he shall make even a speedy redance of all them that dwell in the land. Chapter 2. Exhortation to return to God by repentance. Judgments on the Philistines, on Moab and Ammon.
on Ethiopia and on Assyria. First verse से पढ़ेंगे, gather yourselves together, ye gather together, O nation not desired. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you, seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have reft his judgment, seek righteousness, seek meekness, it may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation. They shall drive out Ashdod at the noonday, and Ekron shall be rooted up. Woe unto the inhabitants of the sea coast, the nation of the Cherethites, the word of the Lord is against you. O Canaan, the land of the Philistines, I will even destroy thee, that there shall be no inhabitant, and the sea coast shall be dwellings and cottages for shepherds and folds for flocks, and the coast shall be for the remnant of the house of Judah. They shall feed thereupon in the houses of Ashkelon, shall they lie down in the evening, for the Lord their God shall visit them and turn away their captivity. I have heard the reproach of Moab and the revilings of the children of Ammon, whereby they have reproached my people and magnified themselves against their border. Therefore, as I live, saith the Lord of hosts, the God is God of Israel, surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles and salt pits, and a perpetual desolation. The residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. This shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the people of the Lord of hosts. The Lord will be terrible unto them, for he will famish all the gods of the earth, and men shall worship him, every one from his place, even all the isles of the heathen, yea, Ethiopians also, ye shall be slain by my sword. And he will stretch out his hand against the north and destroy Assyria, and will make Nineveh a desolation and dry like wilderness. And flocks shall lie down in the midst of her. All the beasts of the nations, both the cormorant and the bittern, shall lodge in the upper lintels of it. Their voice shall sing in the windows. Desolation shall be in the thresholds, for he shall uncover the cedar work. This is the rejoicing city that dwelt carelessly, that said in her heart, I am, and there is none beside me. How is she become a desolation, a place for beasts to lie down in? Every one that passeth by her shall hiss and wag his hand. Chapter 8. The princes of Jerusalem reproved. Exhortation to wait for the restoration of Israel. Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city. She obeyed not the voice. She received not correction. She trusted not in the Lord. She drew not near to her God. Her princes within her are roaring lions. Her judges are evening wolves. They gnaw not the bones till the morrow. Her prophets are light and treacherous persons. Her priests have polluted the sanctuary. They have done violence to the law. The just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity every morning. Doeth he bring his judgment to light? He faileth not, but the unjust knoweth no shame. I have cut off the nations, their towers are desolate. I made their streets waste, that none passeth by. Their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitant. I said, surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction, so their dwelling should not be cut off. Howsoever I punished them, but they rose early and corrupted all their doings. Therefore wait ye upon me, saith the Lord,
until the day that I rise up to the prey, for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger, for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. 9th verse se aage, for then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord, to serve him with one consent. From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering. In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me. For then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be hafty because of my holy mountain. I will also live in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the Lord. The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth. For they shall feed and lie down, none shall make them afraid. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. The Lord hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy. The King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee. Thou shalt not see evil any more. In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a burden. Behold, at that time I will undo all that afflict thee, and I will save her that halteth, and gather her that was driven out, and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. At that time will I bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. सफनिया पहला अध्याय पहले वचन से, अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सफनिया के पास, जो हिजकिया के पुत्र अमरिया का परपोता और गदल्या का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, परमेश्वर के न्याय का दिन। दूसरे वचन से आगे, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों का के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोले की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हकीमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए
टोले मिशना में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु में तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और खाली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। पश्चाताप का आह्वान, दूसरे अध्याय पहले वचन से। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, और बचाव का दिन भूसी के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। इसराइल के पड़ोसी राज्यों का पतन, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे, और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूँगा कि तुझ में कोई न बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे, और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनके सूधी लेकर उनके समृद्धि को लौटा लाएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नामधराई, और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश के सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे, और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूकों मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कोशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर का नाश करेगा, और निनवे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और साही दोनों रात को बसेरा करेंगे, और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे।
उसकी डेवड़ियाँ सूनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा, तीसरा अध्याय पहले वचन से। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई, उसके हकीम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्याय सांझ को अहेर करने वाले हुंडार हैं जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते, उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता, उसके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसके सेवा करें। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूँगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूँगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इसराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। आनंद का गीत। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी
पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। 2 साल के बाइबल रीडिंग, 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 18 चैप्टर 1-12 वर्स, ज़कर्याह 1 चैप्टर और 2 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1-12 वचन और ज़कर्याह 1 अध्याय और 2 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 18 अध्याय 18 चैप्टर 1-12 वर्स, द फॉल ऑफ बेबीलोन एक्सेट्रा, 1 वर्स से पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दिस थिंग्स आई सॉ अनदर एंजल कम डाउन फ्रॉम हेवन हैविंग ग्रेट पावर, एंड द अर्थ वॉज लाइटेंड विद हिज ग्लोरी, एंड ही क्राइड माइटिली विद अ स्ट्रॉन्ग वॉइस सेइंग, बेबीलोन द ग्रेट इज फॉलन एंड इज बिकम द इनहैबिटेशन ऑफ डेविल्स, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works. In the cup which she hath filled, fill to her double. How much she hath glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her, for she saith in her heart, I sit a queen and I am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judgeth her, and the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, saying, alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for 1 hour is thy judgment come. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth their merchandise any more, the merchandise of gold and silver and precious stones and of pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and all thyan wood and all manner vessels of ivory and all manner vessels of most precious wood and of brass and iron and marble. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय बेबीलोन का पतन, 1 वचन से। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और
सुख विलास किया उतने उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैंजनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत के हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। Zechariah exhorts to repentance, vision of the horses, comfortable promises made to Jerusalem, vision of four horns and four carpenters. First verse, in the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, the Lord hath been sore displeased with your fathers. Therefore say thou unto them, thus saith the Lord of hosts, turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts. Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, thus saith the Lord of hosts, turn ye now from your evil ways and from your evil doings. But they did not hear nor hearken unto me, saith the Lord. Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not take hold of your fathers? And they returned and said, like as the Lord of hosts thought to do unto us, according to our ways and according to our doings, so that he dealt with us. Upon the 24th day of the 11th month, which is the month Sebath, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, I saw by night, and behold, a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom, and behind him were their red horses, speckled and white. Then said I, O my Lord, what are these? And the angel that talked with me said unto me, I will show thee what this be. And the man that stood among the myrtle trees answered and said, these are they whom the Lord hath sent to walk to and fro through the earth. And they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees and said, we have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth sitteth still and is at rest. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation this 70 years? And the Lord answered the angel that talked with me with good words and comfortable words. So the angel that communed with me said unto me, cry thou, saying, thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy, and I am very sore displeased with the heathen that are at ease.
For I was but a little displeased, and they helped forward the affliction. Therefore thus saith the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies. My house shall be built in it, saith the Lord of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Cry yet, saying, thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. Then lifted I up mine eyes and saw, and behold, four horns. And I said unto the angel that talked with me, what be these? And he answered me, these are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And the Lord showed me four carpenters. Then said I, what come this to do? And he spake, saying, these are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head, but these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah to scatter it. Chapter 2. An angel sent to measure Jerusalem and its flourishing state under God's protection foretold. First verse se padhenge. I lifted up mine eyes again and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, whither goest thou? And he said unto me, to measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof and what is the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls for the multitude of men and cattle therein. For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Ho, ho, come forth, and flee from the land of the north, saith the Lord. For I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon. For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. For behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants. And ye shall know that the Lord of hosts hath sent me. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee. And thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee, and the Lord shall inherit Judah, his portion in the holy land, and shall choose Jerusalem again. Be silent, O all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. Zakariah, pehla adhyay, Parmeshwar ki or lautne ka aahwan. दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के आठवें महीने के जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तो इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो।
परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। घोड़ों से संबंधित दर्शन, 7 वचन से आगे, दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यों पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेहदियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तो पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख से रहती है उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यों कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। सिंह से संबंधित दर्शन। फिर मैंने 18 वचन से आगे, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसमें से मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को तितर पितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सिंग उठाए थे। नापने की डोरी से संबंधित दर्शन। 2 अध्याय 1 वचन से, फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तो कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने कहा, मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह करूँगा ठहरूँगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। बंधुआई में गए लोगों का बुलाया जाना।
6 वचन से आगे यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश के चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सियोन को बेचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे, तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।